हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शार्पनर के बारे में और मसाई के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि दोनों जो है पे आफ्टर प्लेसमेंट बूट कैम है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा वाला जो पे आफ्टर प्लेसमेंट बूट कैम है वो बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शार्पनर की एलिजिबिलिटी क्या है एंड मसाई स्कूल की क्या एलिजिबिलिटी है। तो शार्पनर की जो एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड देन अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट मसाई में क्या है कि अगर आप पूरा टाइम फ्री हो, क्योंकि उनकी जो क्लासेज होती है वो 11 AM to 11 PM चलती है, बट शार्पनर में ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग जो है कि रिकॉर्डेड कंटेंट देते हैं, तो इसके वजह से जो है आपको आप शार्पनर में जो है वो रिकॉर्डेड कंटेंट देते हैं वो लोग, तो इसको आप जब भी आप फ्री रहें आप कर सकते हैं। बट ना मसाई में क्या होता है कि वो लोग क्लासेस कराते हैं, लाइव क्लासेस कराते हैं, तो इसके लिए आपको 11 AM to 11 PM आपको फ्री रहना पड़ेगा। हाँ, वो बीच में एक दो आवर के लिए गैप देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरा रेगुलर क्लासेस कराते, नहीं वो गैप देते हैं। बट अगर आप वर्क करते हो तो आप मसाई ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पूरा टाइम आपको देना होता है। और शार्पनर अगर आप वर्किंग आवर में भी, अगर आप ग्रेजुएशन ईयर में, फाइनल ईयर में भी हो, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन अब हम बात करते हैं कि कोर्स मतलब किसकी कोर्स बेस्ट रहती है। तो अब जो शार्पनर की कोर्सेज रहती है वो सारे रिकॉर्डेड रहती है, एंड देन जो मसाई की कोर्सेज रहती है वो सारा लाइव क्लासेस कराते हैं। हाँ, तो लेकिन दोनों में एक चीज़ सेम जो मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा अगर आप पहले से पढ़ के आओगे, वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ पढ़ के आओगे, बैकएंड के बारे में कुछ पढ़ के आओगे, तो ये कुछ ज़्यादा ही आपको बेनिफिट देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वर्क करते हो तो आप शार्पनर ज्वाइन करो, एंड देन अगर आप पूरा फ्री हो तो आप मसाई ज्वाइन करो। अब बात आती है ISA की, तो इनकम शेयर एग्रीमेंट। तो जो शार्पनर की इनकम शेयर एग्रीमेंट होती है वो सिंपल होती है, वो ज़्यादा पैसे नहीं चार्ज करते, वो 1 ईयर आपको पे करना पड़ता है। पहले तो वो 6 मंथ ही पे करना पड़ता होगा, बट दैट टाइम उन लोगों ने 1 ईयर रख दिया। और अब हम बात करते हैं मसाई की, तो मसाई की जो इनकम शेयर एग्रीमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही पैसे चार्ज करते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग लाइव कंटेंट देते हैं, तो मुझे लगता है इस वजह से वो लोग ज़्यादा ही पैसा जो है वो लेते हैं। उन लोगों के भी इनकम शेयर एग्रीमेंट, बट उसमें क्या प्रॉब्लम है, शार्पनर के इनकम शेयर एग्रीमेंट में है कि इसमें कोई पेनल्टी चार्ज बहुत कम लोगों ने ही पे किया होगा, मतलब मुझे लगता है शार्पनर में बहुत मिनिमम लोगों ने ही पेनल्टी चार्ज पे किया होगा। बट मसाई में आपको पेनल्टी चार्ज करनी देनी ही पड़ेगी, बट शार्पनर में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आपने छोड़ दिया, मतलब आप कॉल उनके अवॉइड कर दोगे, तो वो आपसे कोर्स कंप्लीट करने के बाद तो वो आपसे पैसे लेंगे शार्पनर वाले, बट अगर आपने कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ दिया तो मतलब वो लिखा हुआ है उनके इनकम शेयर एग्रीमेंट में, बट वो ले नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग स्टूडेंट ने ऐसा किया है। लेकिन मसाई वाले लोग क्या, उनके जो रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो अपने बिना पैसे लिए आपको छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बार बार कॉल करते रहते हैं, वो बहुत सारा लोन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो इनकी जो मुझे मसाई की जो है ISA इनकम शेयर एग्रीमेंट जो है मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। तो मैं आपको बोलूंगी कि इनकम शेयर एग्रीमेंट के रिलेटेड आप जा रहे हो तो मुझे शार्पनर की ज़्यादा अच्छी लगी, मसाई बहुत ज़्यादा ही चार्जेस पे लेता है तो मुझे वो उनकी सही नहीं लगी। एंड देन अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप पूरा फ्री हैं, आप पूरा फ्री टाइम है, अगर आप पूरा अपना स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप जॉब नहीं करते हैं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करें मसाई, मसाई ज्वाइन करें। अगर आप फ्री मतलब आप अगर अभी क्लासेस है, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, देन आप शार्पनर ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब शार्पनर क्या है कि अगर आप पर डे का 2 to 4 आवर भी देते हो तो वो मैनेज हो जाएगा, बट मसाई के लिए आपको बिल्कुल 1 ईयर का टाइम देना ही देना है। मतलब 1 ईयर से कम टाइम दोगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा मतलब इस तरह का उनका सीरीज होता है कि आपको पूरा उनका असाइनमेंट वगैरह सब कुछ प्रॉपर टाइम में करना होगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर टाइम में नहीं करोगे तो वो आपको अपने कोर्सेज से निकाल देंगे। बहुत लोगों को वो निकाल देते हैं, बहुत लोग को समझने में बहुत प्रेशराइज, मसाई जो है कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज देता है कि नहीं आपको तुरंत कंप्लीट कर देना। तो इस चीज़ में मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं चलना है तो आप शार्पनर ज्वाइन कर सकती है, लेकिन मसाई भी अच्छा है प्लेसमेंट के मामले में। बहुत लोगों का प्लेसमेंट हुई है मसाई से भी, शार्पनर से भी प्लेसमेंट हुई है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। मतलब शार्पनर से भी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट लगे हैं, मसाई से भी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट रहे, तो प्लेसमेंट दोनों की ओके ओके, बट आप
डिसाइड कर लो कि आप कौन सा करिकुलम चूज करते हो, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कौन सा सेक्टर को चूज करते हो। मैं आपको बता दूं कि शार्पनर में जो होते हैं वो 3 टाइप्स के कोर्सेज होते हैं, फुल स्टैक, फ्रंट एंड बैक एंड। एंड देन मसाई में बहुत सारे कोर्सेज है जैसे डाटा एनालिटिक्स, बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, ये सब, फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, फिर आजकल उन लोगों ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी लॉन्च कर दिया है। तो मसाई में बहुत सारे कोर्सेज है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड थर्ड चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि मसाई भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो आईटी सेक्टर के बारे में तो आप कुछ पढ़ के आएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि विदाउट पढ़े अगर आप आते हैं सिर्फ ये तो वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि इनके जो असाइनमेंट्स होते हैं मतलब तुरंत से कैच आउट करना, ये क्योंकि इतने स्पीडली ये लोग पढ़ाते हैं, मसाई वाले इतने स्पीडली पढ़ाते हैं कि HTML, CSS, JavaScript ये 1 वीक मतलब 1 मंथ के अंदर ये ओवर कर देते हैं। तो अगर आप पहले से पढ़ के आएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा कि आप जल्दी कवर करें, मतलब बिगनर वे में भी पढ़ाते हैं बट अगर आप पहले से पढ़ के आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जल्दी जल्दी से कैच कर पाओगे। और शार्पनर में है कि आपको तो कोर्सेज मिला हुआ है उसको आप धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं, बट मसाई में कुछ ज़्यादा ही रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं, ये मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप अपने टाइमली असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करते 3-4 असाइनमेंट्स के बाद वो लोग आपको निकाल देते हैं, फिर कुछ पेनल्टी चार्जेस वगैरह भी लेते हैं। अगर आप इस चीज़ को पूरा डीप डाउन में जानना चाहते हैं तो आप मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाके बिल्कुल मैसेज कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरे डिटेल्स बता दूंगी इसके इनकम शेयर एग्रीमेंट के बारे में और वहाँ पे क्या क्या होता है, पूरा डिटेल्स में मैं एक वीडियोस ला दूंगी और मैं आपको बता दूंगी कि मसाई क्या है एंड कितने हार्डेस्ट टफेस्ट थिंग। और शार्पनर के बारे में मैंने सारे रिव्यू प्रीवियस वीडियो में दे दिया है तो आप अच्छे से जाके उसको पढ़ सकते हैं। एंड अगर शार्पनर के रिगार्डिंग या मसाई के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो आप मेरे कमेंट आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप पूरे डिटेल्स में आपको बता दूंगी। एंड देन प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ये वाली चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वाले चीज़ पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगी एंड देन और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगी। और आप कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट कौन से पे आफ्टर प्लेसमेंट का रिव्यू दूँ। थैंक यू।